कुछ लोग 100 रुपये की भी अगर छूट देंगे ना तो 1000 रुपये का विज्ञापन छपा देते हैं। ऐसे लोगों से भी हिमाचल के लोगों को सतर्क रहना है। इस योजना पर सरकार ने खर्च कितना किया उसे लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लगभग 80% फंड सरकार ने इसके प्रचार प्रसार पर खर्च कर डाला। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं उसका अलग मतलब होता है और वास्तविकता अलग होती है। यानी प्रधानमंत्री जनता के सामने कुछ और बोलते हैं और जब उसकी पड़ताल होती है, जब पता लगाया जाता है, तो बातें कुछ और निकलती है। प्रधानमंत्री जी ने पहले संसद में छपास और दिखास के बारे में खूब किया, हमको छपने से बचना चाहिए, दिखने से बचना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना कैमरे के सामने आते, कितना दिखते, कितना छपते हैं सब जानते हैं। फिर उन्होंने विज्ञापन पर लंबा चौड़ा ज्ञान दिया शुरू किया। अब कई सारे वीडियो जिस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विज्ञापन के बारे में बात कर रहे हैं। बड़े बड़े विज्ञापनों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जा रही है। तो जरा आपको हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में विज्ञापन की बात कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ एक वीडियो है जिस वीडियो में साफ तौर बताया जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो केंद्र सरकार की ओर से शुरू किया गया था उसका 80% केवल विज्ञापन पर खर्च कर दिया गया। यानी 20% सिर्फ काम पर इंप्लीमेंट किया गया, 80% विज्ञापन पर खर्च हो गया। जरा देखिए ये वीडियो। ये वीडियो नितिन अग्रवाल ने ट्वीट किया है, लिखा है प्रधानमंत्री कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट है। कुछ लोग 100 रुपये की भी अगर छूट देंगे ना तो 1000 रुपये का विज्ञापन छपा देते हैं। ऐसे लोगों से भी हिमाचल के लोगों को सतर्क रहना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। इस स्कीम की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। देश की बेटियों को इस योजना से कितना लाभ हुआ इस पर हर किसी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन इस योजना पर सरकार ने खर्च कितना किया उसे लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लगभग 80% फंड सरकार ने इसके प्रचार प्रसार पर खर्च कर डाला। सुन रहे हैं आप, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कोई 100 रुपये की छूट देता है तो वो जो है 1000 रुपये का विज्ञापन करा देता है। तो प्रधानमंत्री जी बताइए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो बहुत बड़ी योजना जिसका आप खूब बखान करते हैं उसका 80% विज्ञापन पर क्यों खर्च हो गया। मतलब आपने, आप समझिए कि इंप्लीमेंट उसका कितना हुआ होगा, कितना काम हुआ होगा, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 80% फंड चला गया। लिखा गया बकायदे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का कई राज्यों में दिखा खराब प्रदर्शन, सिर्फ विज्ञापनों पर हुआ 80% फंड का इस्तेमाल। तो आप अंदाजा लगाइए जरा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बातें करते हैं और उसका मतलब क्या निकलता है। मतलब बिल्कुल अलग निकलता है। एक और वीडियो राजीव निगम के द्वारा ट्वीट किया गया, वो वीडियो में भी दिखाना चाहूंगा। उसमें प्रधानमंत्री जी कहते हैं प्रचार की बात हम ये नहीं करते, हम दिखावा नहीं करते, हम तो काम करना जानते हैं। लेकिन वहीं ये खबर आई कि विज्ञापनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में 4600 करोड़ रुपए खर्च हुआ। यह आंकड़ा 2014 से 2018 का है, यानी 4 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 4600 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब जरा देखिए, अगर अंदाजा लगाइए वीडियो देखने के बाद प्रधानमंत्री जी कहते क्या है और असलियत में होता क्या। आप बताइए कितने रुपये की मुझे एडवर्टाइजमेंट देनी चाहिए थी, कितने अखबार के पेज भरे पड़े, अखबार में मोदी फोटो चमकती हो और कितने दे देते। हम आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जीते हैं। के विज्ञापनों पर हुए खर्च की जानकारी भी सरकार ने दी। सरकार के प्रचार पर 4.5 साल में 4600 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहे कुछ और देते हैं, होता कुछ और है, स्थितियां कुछ और निकल कर आती है। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दरअसल ये एडिटेड वीडियो है, ये श्रीनिवास द्वारा ट्वीट किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जो बात कहते हैं कि मैं चाहता तो विज्ञापनों में मेरी भी फोटो चमक सकती थी, लेकिन हम जिंदगी में बदलाव के लिए जीते हैं, जो पहला वाला वीडियो आपने देखा। अब बताइए जरा, उन्होंने बाकायदे दिखाया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा है। उसके बाद उस वीडियो में कई सारी चीजें उन्होंने लिखी है कि 5 साल में मोदी सरकार ने विज्ञापन में 5000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, यानी हर रोज खर्च होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया कई अखबारों को उन्होंने दिखाया, द इंडियन एक्सप्रेस से कई अखबारों को दिखाया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है, द टाइम्स ऑफ इंडिया की तस्वीरें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज्ञापन छप रहा हर जगह। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दरमियान भी आपने देखा हो, कई सारे अखबारों को उन्होंने दिखाया, जनसत्ता, अमर उजाला, द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द इकोनॉमिक्स टाइम, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर विज्ञापन वाली छपी हुई थी। अब जरा ये वीडियो आप देख लीजिए, एडिटेड वीडियो भले ही है लेकिन इसमें सारी स्थितियां निकलकर सामने आ रही थी।
झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब बताइए जरा, आप तो कहते हैं हम दूसरों के लिए जीते हैं, तो ये फिर विज्ञापन में आपकी तस्वीर कहां से आ जा रही है? वैसे आपको दिखास का तो बहुत मतलब वो है कि आप हर जगह दिखते हैं, कैमरा हर जगह आपके साथ पहुंच जाता है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम तो जनता के लिए जीते हैं। लेकिन सवाल वही है जो ये वीडियो शेयर किया गया, जो साझा किया गया श्रीनिवास की तरफ से, ये सारी स्थितियां खोल देता है। चलिए आगे, एक और वीडियो हम दिखाना चाहते हैं, वो भी वीडियो एडिट करके शेयर किया जा रहा है। वीडियो को दिखाने से पहले हम बताना चाहते हैं, उसमें तीन चीजों की बात की गई है, FDI की बात की गई है, GST की बात की गई, आधार कार्ड की बात की है। तीनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल उठाते हैं समय समय पर, और जब उनकी सरकार आ जाती है तो फिर उस पर उनका स्टैंड बिल्कुल चेंज हो जाता है। पहले GST पर बोलते थे GST देश के लिए ठीक नहीं है, फिर वो GST बोलते हैं GST देश के लिए बहुत ठीक है, फिर FDI पर बात करते हैं FDI ये जरूरी बता देते हैं, FDI पहले सरकार के पहले कुछ और बोलते थे, आधार कार्ड के बारे में पहले कुछ और बोला जा रहा था, अब आधार के बारे में सरकार आने के बाद कुछ और बोल रहे हैं। तो ये पूरा एडिटेड वीडियो 56 सेकंड का, इसको आप देखिए और समझिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी की करनी और कथनी में कितना बड़ा अंतर होता है। GST कभी सफल नहीं हो सकता। GST ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक मिसाल है। छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है और विदेशियों को FDI को हिंदुस्तान में रिटेल के लिए परमिट देने का आज फैसला कर लिया। 125 करोड़ देशवासियों के लिए FDI जिम्मेवारी है और व्यापार उद्योग का विस्तार करने वाले विश्व के लिए FDI एक अपॉर्चुनिटी है। आपकी इस आधार कार्ड की योजना देश के लाखों करोड़ रुपए डूब गए। आप सभी के समर्थन से इस साल के अंत तक हम देश के हर नागरिक को आधार कार्ड से जोड़ पाए। तो अशोक पुरोहित ने वीडियो ट्वीट किया था, लिखा, गिरगिट तो खतरा देखकर रंग बदलता है, लेकिन इन महाशय को मौका देखकर ही रंग बदलते देखिए, ये लिखा जा रहा है चीजें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी बताइए, अगर आप कहते हैं कि लोग जो है 100 रुपए खर्च करते हैं तो 1000 रुपए का विज्ञापन दे देते हैं, तो इतना ज्यादा विज्ञापन पे आपके द्वारा खर्च क्यों किया गया है? 16 दिसंबर 2021 का न्यूज लॉन्ड्री का एक आर्टिकल मैं आपके सामने रख रहा हूं स्क्रीन पर आपके, आप देखिए। इसमें लिखा है, 5 साल में मोदी सरकार ने विज्ञापन पर खर्च किए 500 करोड़ रुपए, यानी हर रोज लगभग 2,74,00,000 रुपए। यानी आप समझिए, हर रोज केवल विज्ञापन पर, कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं, सिर्फ विज्ञापन पर 2,74,00,000 रुपए खर्च किए गए। ये 2016 से अब तक का आंकड़ा है। तो आप समझिए, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय यानी कि DAVP की वेबसाइट पर दर्ज की गई जानकारी के मुताबिक साल 2016 में मोदी सरकार ने विज्ञापन पर 1,264.26 करोड़ रुपए खर्च किए। साल 2017 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,313 करोड़ रुपए हो गया। इन दोनों साल में सबसे ज्यादा विज्ञापन वित्त विभाग ने दिया। 2016 और 17 में विभाग ने 612 करोड़ रुपए के विज्ञापन पर खर्च किए। वहीं साल 2018 में कुल 1,179 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए गए। इस साल सबसे ज्यादा विज्ञापन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने खर्च किए। मंत्रालय ने अलग अलग माध्यमों के जरिए विज्ञापन पर 181.53 करोड़ रुपए खर्च किए। साल 2019 में सरकार ने 707 करोड़ रुपए खर्च किए। इस साल भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सबसे ज्यादा 137 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए। इसके बाद परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी 72.56 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो ये 2021 का आर्टिकल आपको दिखा रहे हैं, और 2020 की बात करें तो 409 करोड़ का। सबसे ज्यादा किसने खर्च किए? तो इस बार परिवार कल्याण मंत्रालय ने 71 करोड़ रुपए खर्च किए। तो आप समझिए, जो आंकड़ा है वो 2016 से 2021 तक का ये आंकड़ा है, जिसमें 500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सिर्फ विज्ञापन पर खर्च किए। तो प्रधानमंत्री जी बताइए, आप 100 की बात कर रहे हैं, 1000 कहां खर्च हुआ, इसका सारा ब्यौरा आपके सामने है। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।